खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का हाल जानने पहुंचे मेडिका हॉस्पिटल। दोस्तों, रविवार को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मेडिका अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और बेहतर इलाज का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, वर्तमान की स्थिति उन्हें राज्य से बाहर ले जाने की नहीं है। चेन्नई की चिकित्सक टीम आने वाली है और बेहतर इलाज और बाहर ले जाने से संबंधित विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 सितंबर को शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्हें रांची स्थित रिम्स के कोविड वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए 1 अक्टूबर से मेडिका अस्पताल में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है। खबर है, झारखंड में भी स्टे वाले मुकदमों में राहत नहीं, कई बड़े मामलों पर पड़ेगा असर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी आपराधिक और दीवानी मामलों में दिए गए स्टे आदेश को रद्द करने के बाद झारखंड में भी अब ऐसे मामलों में राहत नहीं मिल पाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य की अदालतों में अभी सभी मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, वर्चुअल कोर्ट चल रहा है। हाईकोर्ट ने मार्च से ही सामान्य आदेश जारी कर अंतरिम राहत मामलों की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में करीब 150 से अधिक मामलों में स्टे आदेश और अंतरित राहत की अवधि 6 माह से अधिक हो गई है। इस आदेश के बाद झारखंड हाईकोर्ट जनरल ऑर्डर से सभी मामलों में एक साथ स्टे की अवधि नहीं बढ़ पाएगी। खबर है, मुख्यमंत्री श्री सोरेन की ललकार, मोदी सरकार को दी चेतावनी, हो सकती है आर्थिक नाकाबंदी। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के आने के बाद से राज्य और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव रहा है। जीएसटी बकाया, कोयला खदानों की नीलामी, खनिजों की रॉयल्टी, लॉकडाउन में केंद्रीय सहायता, नई शिक्षा नीति और कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का मन मिजाज नहीं मिला है। ताज़ा मामला दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी DVC के बकाया वसूली को लेकर दोनों सरकारों के बीच उत्पन्न विवाद का है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्य के खजाने से DVC का 1418 करोड़ रुपए का बकाया काट लिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसे संघीय ढांचे का अपमान करार देते हुए आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। केंद्र सरकार के कदम को गलत ठहराते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया पर राज्य सरकार करोड़ों का बकाया है, लेकिन राज्य ने कोयला खनन से कंपनी को नहीं रोका। DVC राज्य के पानी का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे भी राज्य सरकार ने नहीं रोका। CM ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए झारखंडियों ने आर्थिक नाकेबंदी का सहारा लिया था, यही स्थिति रही तो फिर से इसे दोहराया जा सकता है। खबर है, आ रहा भयानक तूफान, इन राज्यों में 4 दिन होगी जमकर बारिश, IMD का अलर्ट। दोस्तों, देश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है, हालांकि देश के कई राज्यों में अभी बारिश तबाही मचा रहा है। अब एक बार फिर चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अब और ज़्यादा सक्रिय हो गया है, लेकिन अभी यह भारतीय तट से दूर जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दबाव के क्षेत्र के भारतीय तट से दूर जाने की वजह से पश्चिमी तट पर कोई बड़ा मौसमी उलटफेर हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर महाराष्ट्र तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यह इस क्षेत्र से अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम की तरफ अधिक बढ़ सकता है और उसके बाद धीरे धीरे कमजोर हो सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने मछुआरों को मध्य और उत्तर अरब सागर में नहीं जाने की चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट में मौसम विभाग के हवाले से कहा गया है कि इस दाब के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय जिलों में अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है। खबर है, मोदी सरकार ने बदले नियम, 1 नवंबर से इसके बिना नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। दोस्तों, देश की तमाम तेल कंपनियां आगामी 1 नवंबर से LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही हैं। तेल कंपनियों ने तय किया है कि अब बिना OTP दिए ग्राहकों को सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा। तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर से गैस चोरी होने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचे, इसके लिए OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम को लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब यह सिलेंडर लेने का नया तरीका, ग्राहक पहले ही की तरह ही सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन
अब गैस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसके लिए तेल कंपनियों ने रियल टाइम कोड के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है। ये कोड डिलीवरी बॉय को देना होगा। जैसे ही ग्राहक इस कोड को डिलीवरी बॉय को देगा, वह ऐप में इसकी एंट्री करेगा। इसके बाद सिलेंडर डिलीवरी के लिए अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई ग्राहक ओटीपी बताने में असमर्थ होगा तो उसे सिलेंडर डिलीवरी नहीं किया जाएगा। खबर, दिवाली के मौके पर इन कर्मचारियों को मिलेगा जबरदस्त बोनस, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों को हर साल दिवाली पर बोनस दिया जाता है। ऐसे में इस बार कोरोना के चलते लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं और सभी कंपनियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में सभी कंपनियां बोनस देने में असमर्थ हो गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर कोल इंडिया से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कंपनी इस साल अपने कर्मचारियों को 68,500 रुपये तक का बोनस देने वाली है। इससे सभी कर्मचारियों में काफ़ी खुशी दौड़ रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को CMPDI में पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड या बोनस को लेकर JBCCI स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया गया है। खबर है, सर्दियों में फिर कहर बरपा सकता है कोरोना वायरस, सामने आई ये वजह, विशेषज्ञों ने दी लोगों को अहम सलाह। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से पिछले साल दिसंबर में निकला कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 3,95,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11,00,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके कोरोना का कहर अभी भी शांत नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में एक बार फिर से कोरोना विकराल रूप धारण कर सकता है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के चलते कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ने की आशंका है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद एक बार फिर से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सांस और फेफड़ों से संबंधित परेशानियों का एक बार फिर से सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को सर्दी के मौसम में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हवा में प्रदूषण का ज़्यादा स्तर COVID-19 को प्रभाव को ज़्यादा बदतर कर सकती है। आपको बता दें कि वहीं पर्यावरण व स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खास तौर पर COVID-19 के हमले की चपेट में आने की सबसे ज़्यादा संभावना वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि हवा में मौजूद प्रदूषण की पुरानी बीमारी की संबंध गंभीर संक्रमण और ज़्यादा मौत से होता है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। खबर, 600 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद करने की तैयारी, जानिए कब से होगा प्रभावी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना महामारी के बाद अब जब यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार करने के लिए जीरो बेस टाइम टेबल शुरू कर रहा है। इसके कारण 600 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। साथ ही 10,200 स्टेशन या हॉल्ट पर ट्रेनों का ठहराव खत्म हो सकता है। अगले 1-2 महीने में इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 120 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट ट्रेनों में अपग्रेड किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इस बारे में जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके बारे में जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन VK यादव ने बताया कि जब भारतीय रेलवे ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू करेगा तो नई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी इसके लिए कोई तय समय तारीख नहीं बता सकते हैं, पर यह निर्भर करता है कि सामान्य सेवाएं कब से शुरू होती हैं। इससे पहले रेलवे ने बताया था कि नई प्रणाली के मुताबिक यात्री ट्रेनों की संख्या और ठहराव में कमी आएगी। इसका मतलब ये होगा कि सभी यात्री ट्रेनों की समय सारिणी और फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा। VK यादव ने बताया था कि इस कार्य के लिए IIT मुंबई की मदद ली जा रही है। खबर है, लोकपाल का मामला, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ मिली 4 शिकायतें। दोस्तों, लोकपाल को 2019-20 में कुल 1427 शिकायतें मिली। इनमें से 613 राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित थी और 4 शिकायतें केंद्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के खिलाफ थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लोकपाल को मिली 245 शिकायतें केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध 200 सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक इकाइयों, न्यायिक संस्थाओं तथा केंद्र स्तर की
स्वायत्त संस्थाओं के खिलाफ, वहीं 135 शिकायतें निजी क्षेत्र के लोगों और संगठनों के विरुद्ध थी। लोकपाल के आंकड़ों के अनुसार 6 शिकायतें राज्य सरकारों के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ थी। इसमें कहा गया कि कुल शिकायतों में से 220 अनुरोध, टिप्पणियां, सुझाव थे। लोकपाल के अनुसार कुल शिकायतों में से 1347 का निस्तारण किया गया। 1152 शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर की थीं। आंकड़ों के मुताबिक कुल 78 शिकायतों को निर्दिष्ट प्रारूप में दाखिल करने की सलाह दी गई। लोकपाल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच करने वाली शीर्ष संस्था है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल 23 मार्च को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई थी।